प्रातःवंदन बच्चों, आज हम कक्षा नौवीं व्याकरण विधि, कक्षा दसवीं व्याकरण विधि के अंतर्गत व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, रजिस्टर या कॉपी बना लेंगे और उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बेटा आपको लिखते जाना है। व्याकरण की आप कॉपी अलग बना सकते हैं। चलिए आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण विधि के अंतर्गत, आज का हमारा जो विषय है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं वर्ण विचार है ना, आज का ये जो है ये प्रथम अध्याय है और ये है वर्ण विचार। अब इसमें दिया है भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। दूसरे शब्दों में वर्ण का अर्थ, वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, वर्ण माने अक्षर या ध्वनि, यहाँ दोनों चीजें दी हुई है, देखिए अक्षर और ध्वनि। ध्वनियों में उस छोटी से छोटी मुख से निकली हुई ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण। जो भी हम बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, जो वर्ण बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जो मुख से निकली हुई छोटी सी छोटी ध्वनियों में उस छोटी से छोटी निकली हुई ध्वनि, ध्वनि माने जब हम शब्द कोई बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वर्ण। जिसका विभाग ना हो सके, जैसे अ इ उ प च ट त प इत्यादि, ये सब क्या है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला के कितने सूत्र हैं, 14, ये देखिए यहाँ पर दिए हैं ना। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 महेश्वर सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है या माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो महेश्वर सूत्र है इनको महेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, तो देखिए इसमें दिया है कि भगवान शंकर यानी महेश्वर, इसको बोलते हैं, भगवान शंकर ने नृत्य के बाद 14 बार अपना डमरू बजाया, जिससे इन 14 महेश्वर सूत्रों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ये सूत्र इस प्रकार से, एक श्लोक भी आपको इसमें भी दिया है कि नृत्ता वसारे नटराज राजो ननाद भूता नव पंचवारम उधर्त काम संकादि सिद्ध ने तत् विमर्श शिव सूत्र जागो, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें क्या है दिया हुआ है। तो नृत्य के समय भगवान ने जो ढंगा ने जो डमरू बजाया, उससे जो कोई तो जितनी भी संकादि ऋषि मुनियों ने उसके सिद्धि मतलब अच्छा करने के लिए जो अपने विचार दिए वह शिव सूत्र जो है, तो इसके अंतर्गत महेश्वर सूत्र के रूप में जाने जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो ये जो सूत्र है इस प्रकार है, यानी ये दिए हैं जो सूत्र है, ठीक है। जैसे दिया है इसमें आ ई उ ण आ ई उ, ठीक है, ये पहला हुआ। फिर इसके बाद है दूसरा रु रु क, रु और रु। फिर इसके बाद है ए ओ ग ए ओ ए औ च ए औ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमने ना छोड़ा अंग छोड़ा, फिर यहाँ पर जो हमने का छोड़ा चा छोड़ा, ये क्यों, तो जितने भी हलंत वाले वर्ण हैं उनको नहीं गिना जाता, ठीक है। तो है व र ट, यहाँ देखिए है हा या व और रा है, ठीक है। ल ण तो ला लिया, फिर जम ण न म यानी जम ण ण न ये लिया है, फिर झा व जा तो झा और भा लिया। इस प्रकार से घ ढ घ श घ ढ घ, फिर इसी प्रकार ज व व ज व ग ड ध श, तो ये देखिए ये आए। आप देख रहे हैं कि इनमें कहीं भी हलंत जिनमें लगा है वो उस तरफ के नहीं लिए गए हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी आता है 11वां सूत्र जो दिया है, खा फ च ठ थ च ट त व है ना, ये देखिए पूरा दिया हुआ है। इसके बाद दिया है कपय, तो देखिए पा या नहीं है का पा है, हल में भी देखिए इसी प्रकार से हा है ना। फिर यहाँ पर श र, ये तीनों भी ये जो एक्चुअल जो दिया है इसमें उच्चारण की वजह से अपन श मान सकते हैं।
होते हैं ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसमें दिया है प्रत्याहार, जो हमने जो सूत्र पढ़े उन्हीं से प्रत्याहार भी बनते हैं। एक महेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहार दो वर्णों से बनता है। प्रत्याहार के अंदर वर्णों की गणना करते समय अंतिम हलंत वर्णों की गणना नहीं करते, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया जिसमें हलंत होती है उसकी गणना नहीं करते। जैसे एक उदाहरण दिया है, आज प्रत्याहार के वर्णों की गणना करने के लिए महेश्वर सूत्रों में आ वर्ण से लेकर च वर्ण तक जितने भी वर्ण आते हैं उनमें से अंतिम वर्ण, जैसे भी हमने आपको पहले पढ़ाया तो जो अच्छा पढ़ाया उसमें दिया है ना, तो जो जितने भी अंतिम वर्ण जैसे है ना, वर्णों को छोड़कर गणना करते हैं। इस प्रकार अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ रु रु ए ओ है ना, और ए और औ वर्ण आते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से बेटा समझिए और पढ़ते भी जाना। आप देखिए जैसे यहाँ पर भी दिया है उदाहरण, जैसे अच, ठीक है ना, तो अच में क्या दिया, जैसे अ ई उ रु लु ए ओ ए औ, यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण आ का परिगण किया गया है, तथा अंतिम वर्ण जो है च को क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया। अब इसी प्रकार जैसे जो प्रत्याहार है तो वो कैसे होते हैं और उसी में सूत्रों से बने हैं, तो जैसे हल, ठीक है ना, तो पांचवें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेके चौदहवें सूत्र के अंतिम वर्ण ला के मध्य जितने भी आएंगे सभी वर्ण वह गिने जाएंगे। जैसे ह या व र ल पूरे ये आते हैं, ठीक है। इसके बाद है एक, एक में प्रथम सूत्र के अब द्वितीय वर्ण, प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेके कहां से लेके ई से लेके द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण आएंगे ई उरु तथा नु। फिर गा आ, प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण आ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण यानी गा के मध्य आने वाले सभी वर्ण कौन कौन से, आ ई उ रु तथा नु, इस प्रकार से इसके अंतर्गत आएंगे ये है। फिर है झल, आप देखिए इसमें अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण, सूत्र जैसे हमने अभी आपको पहले पढ़ा उसमें दिया है प्रथम सूत्र द्वितीय सब दिए हैं लाइन से, तो आप इसमें झल लेने झा से लेकर यानी चौदहवें सूत्र के अंतिम वर्ण ला के मध्य वर्ण आने वाले सभी वर्ण आएंगे। जैसे झा भ भ ढ ध ज व घ ड द थ क छ ठ थ च ट क क प श, देखिए सभी आगे हा तथा हा ये आएंगे झल के अंतर्गत। इसके बाद है या, यण सूत्र में पंचम सूत्र के जो पांचवा सूत्र है उसके द्वितीय वर्ण यानी या से लेके षष्ठ सूत्र के अंतिम वर्ण, ठीक है ना, ण के साथ मध्य आने वाले सभी वर्ण या व र तथा ल। अब है संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए इसके बाद आप देखिए वर्णों के लिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर या अच वर्ण और दूसरा व्यंजन या हल वर्ण। स्वर को संस्कृत में अच भी कहते हैं और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। अब है सबसे पहला स्वर जिसको भी क्या कहते हैं, अच, जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। महेश्वर सूत्रों में अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले आ से औ तक के वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्या मैंने बताया आपको, स्वर के लिए जिन वर्णों को उच्चारण स्थान में उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लाती, सीधे सीधे उच्चारण होता है, महेश्वर सूत्रों में अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। आज स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद हैं, तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, ह
हस, दीर्घ और लो। पहला है हस्य स्वर, जिस स्वर के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? हस्य स्वर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अ, ई, उ, रु, लु, ये पांच कौन कौन से हैं? हस्य स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण करने में दो मात्रा का, कितनी मात्रा का? दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, रु, ए, ए, ओ, औ, ए, आठ कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर, ठीक है। फिर है लुप्त स्वर, जिस स्वर के उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं लुप्त स्वर। लुप्त स्वर के बाद में तीन का अंक बना होता है, आपने देखा होगा ना, जैसे हम लिखते ओम, ये देखिए दिया हुआ है इसमें, तो उसको क्या कहते हैं? लुप्त स्वर। आप सभी हस्व दीर्घ और लुप्त स्वर वर्ण अनुनासिक और अनुनासिक दीर्घ नासिक यानी भेद से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है अनुनासिक, ठीक है ना, जिस स्वर के उच्चारण करने में मुख, ध्यान से समझिएगा, जिस स्वर के उच्चारण करने में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है उसे अनुनासिक स्वर या वर्ण कहते हैं। जैसे आए, ए, इत्यादि संपूर्ण स्वर वर्ण, ठीक है। फिर है अनुनासिक, जिस प्रकार स्वर का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। तो ये मैंने आपको वर्णों के भेद, स्वर और स्वर के जो भेद हैं उसको मैंने अभी समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्यंजन, ठीक है ना, ये दिया है व्यंजन को भी हमने क्या बताया, क्या कहते हैं? हाँ, जिन वर्णों का उच्चारण करने से किसी स्वर की क्या ली जाती, सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। व्याकरण में स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हल, आप देख रहे थोड़ा तिरछा निशान दिख रहा है, का चिन्ह लगाते हैं, जैसे लिखा है क, ठीक है ना। अब चूंकि देखिए हमने क्या बोला, क्या आपको बताया, क, ठीक है ना, क, क, आ, है ना, तो उसमें क्या मिला है? आ। तो ये देखिए यहाँ पर ये चूंकि आधा है, ठीक है ना, अब इसमें जब हम प्लस आ करेंगे तो ये पूरा का बनेगा। इसी प्रकार ये दिया कू, अब यहाँ है पा धन ऊ, ठीक है ना, तो जब हम इसको मिलाएंगे क्या बन जाएगा, पूरा ऊ शब्द तो बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार दिया है यहाँ पर मी, तो ये मा आ रहा है, मी मी ई उच्चारण आ रहा ना, तो ई लगेगा तो ये पूरा शब्द बन जाएगा। अब आता है व्यंजन के भेद, व्यंजन के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मा, अंतस्थ और ऊष्मा, ये व्यंजन के भेद होते। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, उ, चू, टू, 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 यानी कावर, प, फ, ग, घं, पे, चू, चावर, च, छ, ज, झं, ज्ञा, टू, ता, था, टावर, टा, ठा, डा, ढं, म, टू, तावर, ता, था, ग, धं, न, पूवर, पा, पा, फ, बा, भं, मा, ये देखिए ये पूरे क्या दिए हैं? वर्ब दिए हैं, किसके? स्पर्श व्यंजन के, ठीक है। अब आता है अंतस्थ व्यंजन, कौन से हैं? ये देखिए आइए, ये र, र और भ। उष्ण व्यंजन कौन से दिए? उष्ण व्यंजन के अंतर्गत शा, देखिए जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये कहने में शा है, सा का ही उच्चारण है, परंतु ऐसा नहीं है, इनके किस में अंतर है? उच्चारण स्थान में अंतर है। जैसे शा, फिर है शा, फिर है सा और हा, इस तरीके से इनका उच्चारण होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, च, त्र, ज्ञ, ये अलग से कोई व्यंजन नहीं, अभी तो संयुक्त व्यंजन है, यथा जैसे जैसे मान लो छा है, तो छा में क्या मिलेगा अपन को? चार अलग का धन शा, छा, त्र, ता, धन, र, ज्ञ, ज, धन, ज्ञ, इस प्रकार से इसके उच्चारण स्थान। इसके बाद आता है आप देखिए विसर्ग में आपको देख रहे हो किसी स्वर के अंत में आने वाले दो बिंदु, बिंदु देख रहे हैं आपको, वो विसर्ग कहते हैं।
इसका उच्चारण प्राय ह के समान होता है। किसके समान? ह। यथा जैसे राम गोपाल भक्त, ठीक है। अब है अनुस्वार। किसी वर्ण के ऊपर जो एक बिंदु अनुस्वार देख रहे हैं आप, बिंदी दिख रही ऊपर लगता है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे हंस, अहम, शंकर इत्यादि। फिर है अनुनासिक। अनुनासिक में क्या है? क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के पांचवें वर्णों, जैसे कहते हम ज, ण, न और माँ को अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो नाक से नाक के द्वारा इनका जो उच्चारण होता है ना, वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसे वर्णों का उच्चारण करने में मुख के अंदर जिस अवयव की सहायता की जाती है उसे संबंधित वर्ण का उच्चारण स्थान हो गया, ठीक है ना, वर्णों के उच्चारण स्थान। जैसे अथो विसर्जनी या कंठा, तो ये जो कंठ से जैसे मतलब जिसमें दिया ना और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अतः इसको कंठ वर्ण कहते हैं जिनका कंठ के द्वारा उच्चारण होता है। फिर है इच्छुई याशाना तालु। अब तालु मतलब ऊपर का हिस्सा रहता है तालु। ई ई च छ ज झ या श, उच्चारण स्थान क्या है इनका? सारे वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु, अतः इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। फिर है रुटुषणा मूर्धा। मूर्धा यानी जो ऊपर है ना, हमारे ऊपर वाले उसमें मूर्धा, तो उसमें कहते हैं और उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो इनको मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। चलो अब है रुटुषणाम दंता। अब दंत से जो जो उच्चारण रुत उच्चारण स्थान क्या है? जब बोलते हैं पा, दोनों ओर क्या हो रहे हैं हमारे जुड़ रहे हैं ना, पा, तो ये उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष। तो इनको क्या कहेंगे? ओष वर्ण कहते हैं। फिर जा जमंगणा नाम नासिका च, है ना, तो जा मा ओम न न का उच्चारण स्थान नासिका। आप देखिए जब भी हम इनको बोलते हैं ना मा, है ना, आ, तो जा ओम, तो ये सब में नासिक, तो ये क्या हो गए? नासिका, नासिक के वर्ण कहलाते। एक देखो कंठ ताल, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ ताल, इनको कंठ ताला वर्ण कहते हैं। ओ दतौ कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, अतः इनको कंठ और ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे ओ औ है ना, दोनों मिलता है उसमें। फिर है वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, ठीक है, अतः इनको दंत ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। फिर है जिभ्यामूल्यस्य जिभ्यामूलम्। जिभ्यामूल्य का उच्चारण स्थान जिभ्यामूल्य, से का खा ये वर्ण जिभ्यामूली वर्ण है। नासिकानु स्वारस्य, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर जो व्याकरण है और इन वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है, वर्ण क्या है, महेश्वर सूत्र क्या है, इनको मैंने आपको पढ़ाया समझाया। आपको भी बच्चों अपनी जो व्याकरण की बुक है उसको बहुत अच्छे से खोलिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, और कॉपी में भी बेटा आपने जो रजिस्टर बनाया है व्याकरण का उसमें आप लिखते जाए। धन्यवाद।